सीधा नीचे, सीधा नीचे जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन फुल सीधा नीचे जा रहा है। जब इंसान एक बहुत बड़ी लॉस से गुजरता है ना, तो वो फ्री नहीं बैठना चाहता, क्योंकि जब इंसान वो फ्री बैठता है तो उसके जहन में 50,000 सवाल आते हैं, 50,000 सोच आते हैं। तो इस वजह से मैं आज, मेरी छुट्टी है आज, अगेन थर्सडे, मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला बैठूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ ब्लू माउंटेंस, जो कि ये पीछे है, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स ड्राइव है, और वहाँ पे है वाटरफॉल्स, तो मैंने वहाँ पे जाना है, क्योंकि अकेला हूँ तो बोर हो जाऊँगा, बहुत सारे ख्याल आते हैं, एंड इट्स बेटर कि मैं बाहर जाऊँ। तो ब्रेकफास्ट नहीं किया, अभी बज रहे अराउंड 11:32, तो चलते हैं वेंट वर्थ फॉल्स की तरफ। Need a little love sometimes when the lights go dim and I'm outside then she's the only one who still feels right. 48 minutes hain, almost 53 kilometers hain, aur ye piche main jaunga pahadon ki taraf, ye pahadon ka rasta hai, matlab ye main ja raha hu, yahan pe main rehta hu, main jana hai pahadon ki taraf, ye sare pahad hain, ye Sydney city hai, ye aapko nazar aayi Sydney, ये सिडनी सिटी है, ये वहाँ पे मैं रहता हूँ और मैं जाना है पहाड़ों में, तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे विंटवर्थ फॉल्स है, तो मैं इस जगह को आज डिस्कवर करूँगा। ये सारे यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। मैं अब ऐसी जगह पे आया हूँ ना, जिस तरह हमारे कह सकते हैं मलम जबा की तरफ हम जाते हैं, कलाम की तरफ जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे टंस आते हैं और गाड़ी गर्म होती है, या बट यहाँ पे वो सीन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बड़ा स्मूथ होता है, मोटरवे ऑलमोस्ट 80 स्पीड होती है और टंस होते हैं, लेकिन इतने वो चढ़ाई नहीं होती, बट गाड़ी थोड़ा सा एफर्ट डालती है ना, क्योंकि ऑब्वियसली यार चढ़ाई ऊपर जाना होता है। अब यहाँ पे मौसम थोड़ा सा अच्छा हो चुका है, ऑलमोस्ट 18 डिग्री सेंटीग्रेड हवा चल रही है, बट लास्ट टाइम मैं जो दो तीन दफ़ा बीच पे गया था, मैं सही से गंदे तरीके से सनबर्न हो चुका था, मतलब मेरा ये शोल्डर और ये हाथ मेरे सारे फुल रेड हो चुके थे, सही से सनबर्न हो चुका था। तो इस दफ़ा मेरे पास है सनब्लॉक, तो मैं वो यूज़ करने, मैं आया हूँ मैकडोनल्ड्स की तरफ। आई गॉट माई मील, अभी बज रहे हैं अराउंड 12:13, तो अभी जाते हैं, क्योंकि लेट हो रहा हूँ मैं, फिर मज़ा नहीं आएगा और धूप भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, बट एनीवेज जाते हैं। मैंने फेंटा उठाया, लोग कोक पीते हैं बट मैं फेंटा पीता हूँ, क्योंकि मुझे फेंटा से बड़ा प्यार। ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ बहुत वियर्ड है, मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स और मैं जहाँ जितने भी मैकडोनल्ड्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैकडोनल्ड्स है, हर जगह पे मैकडोनल्ड्स है, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स के आसपास मैकडोनल्ड्स होते हैं, जितने भी मैकडोनल्ड्स हैं इन 24/7 है, मतलब सारा दिन सारी रात खुले रहते हैं, और हर टाइम यहाँ पे इतना रश होता है। ये चेक करें, ये सारी गाड़ियाँ ड्राइव थ्रू से जा रही है, ये सारी पार्किंग ऑलमोस्ट फुल है। आई थिंक ये रास्ता ब्लू माउंटेंस की तरफ जाता है, तो ये भी बड़ा एक फैक्टर है कि ब्लू माउंटेंस की वजह से लोग यहाँ पे पहले अपने लिए चीज़ें उठा लेते, जिस तरह मैंने उठाया, तो इस वजह से ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बट आई थिंक हर मैकडोनल्ड्स में इतना ज़्यादा रश होता है। एनीवेज मैंने अपने लिए फेंटा उठाया और मैंने फ्राइज़ उठाए और मैंने नगेट्स उठा दिए और साथ में मैंने मैक स्पाइसी उठा दिया है। अब जाते हैं, ऑलमोस्ट 12 हो चुके हैं, टेम्परेचर बहुत गर्म होने वाला, क्योंकि फिर से धूप आ गई है, मैं बंद कर लेता हूँ और सीधा मिलते हैं वहां पे जहां पे मैं जा रहा हूं। The most next day I'm a joke hit it down that slope then I float to the coast with a lump in my throat। मैं आना चाहता था, ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं, ये 1 मिनट दिखा रहा है, 150 मीटर्स रहते हैं और ये रास्ता है वन वे, और ये आ गया हूं मैं, यहां पे गाड़ी लगाएंगे और आगे डिस्कवर करते हैं। बहुत ज्यादा खामोशी है, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि शूज चेंज करते हैं, मेरे शूज यहां पे तो गाड़ी में, ये मैंने टेंट भी लिया हुआ है अपने लिए, ये मेरा टेंट अभी तक खुला नहीं, मैंने अब लिया था परसों बट अभी तक खुला नहीं है मैंने, तो अभी चेंज करते हैं, शूज़ चेंज करें, सॉरी। आज ट्रैक ज़्यादा होने वाला है, हाइकिंग ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सारे जितने भी इलाके हैं सारे मुझे हाइकिंग के लग रहे हैं, तो पहले शूज़ चेंज करता हूँ। बहुत सारे इलाके, वो रास्ता भी कहीं पर जा रहा है नीचे, ये रास्ता भी कहीं से जा रहा है और नीचे भी गाड़ियाँ पार्क है, तो डिसाइड करते हैं, शूज़ चेंज कर लूँ पहले। एंड एक्साइटेड हूँ मैं आज, बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद निकला हूँ, तकरीबन 2 हफ्ते बाद निकला हूँ। यहाँ पे एसी लाइट में भी बंदा बंद हो जाता है, लास्ट टाइम मैं बहुत गंदे तरीके से बंद हो गया था, तो सनब्लॉक लगाना ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट थिंग, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा यहाँ से ना सारा स्किन मेरा निकल चुका था, छिल गया था स्किन मेरा, पता नहीं क्या हो तो क्या कहते हैं, मेरा सारा स्किन चला गया था। सनब्लॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये लगा लेते पहले, आई थिंक दैट्स इनफ। हाइक स्टार्ट करने से पहले ये अपना लंच कर लेता हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट उठाया था लेकिन अभी ऑलमोस्ट 1 बज रहा है, तो लंच ही कह सकते हैं इसे, ये
कर लेता हूँ और धूप भी निकली हुई है सन ब्लॉक लगाया मैंने ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ इट्स लाइक अ पार्क फुली पार्क है ये सिटिंग एरिया है और अभी मैंने वहाँ पे गाड़ी लगाई है अभी मैं ट्रिक स्टार्ट करूँगा थोड़ी देर में तो इट्स बेटर कि सबसे पहले कुछ खा लूँ थोड़ी सी एनर्जी आ जाए यहाँ पे वॉशरूम भी यूज़ कर लूँगा उसके बाद डायरेक्ट जाएंगे नहाऊंगा भी सोच रहा हूँ कि नहा लूँ बैग उठाया मैंने आई थिंक सन ब्लॉक बहुत लगाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है तो आई थिंक मुझे और भी लगाना चाहिए मैं हूँ यहाँ पे और मैंने यहाँ इस रास्ते से जाना मैंने यहाँ तक पहुँचना है विंडवर्ड फॉल्स की तरफ यहाँ पे एक वाटरफॉल है वहाँ पहुँचना है और ये सारी यहाँ की हिस्ट्री है और ये लुकआउट से एक ये लुकआउट है एक ये है एक साथ में ये है अभी बस निकलने वाला हूँ सवारी रेडी हो चुकी है चलो लेट्स मूव अभी यहाँ से इन्हें जाना है इस तरफ तो लेट्स मूव मौसम अभी कभी ठंडा हो जाता है कभी गर्म हो जाता है जब क्लाउड्स आते हैं तो हवा ठंड रह जाती है फिर मज़ा आता है लेकिन जब सूरज होता है तो फिर धूप इतनी तगड़ी आती है कि बंदा स्किन अंदर पील हो जाता है आई डोंट नो कि मैं किस रास्ते से जा रहा हूँ ठीक रास्ते से जा रहा हूँ या गलत रास्ते से जा रहा हूँ बट एनीवेज क्योंकि नीचे तो रास्ता है नहीं नीचे झाड़ झाड़ है तो आई थिंक ये रास्ता ठीक मुझे लग रहा है ये रास्ते को फॉलो करता हूँ कि आगे क्या आता है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये रोड था रोड वापस जाने का और यहाँ से मेरी हाइकिंग स्टार्ट हो जाती है ये फर्स्ट आता है प्रिंसेस रॉक ट्रैक तो ये 20 मिनट रिटर्न है बस ये सारी डिटेल्स है ये देखनी पड़ेंगे ये सारा रास्ता है तो बस ये मेरा ट्रैक है अभी मैं इसको फॉलो करके जाऊँगा वाटरफॉल की तरफ आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लुकआउट पॉइंट्स काफ़ी सारे लुकआउट पॉइंट्स हैं बट मैं 2-3 देख के मेरा दिल खुश हो जाएगा थोड़ा सा बैठूंगा इंजॉय करूँगा सुकून मिल जाएगा और दिन वैसे भी मैं निकालना है क्योंकि अगर ऐसे बैठता हूँ जॉब है नहीं आज तो बोर हो जाता हूँ फिर ख्यालात आते हैं मम्मा के बहुत सारी चीज़ें आ जाती है दिमाग में तो इट्स बेटर कि मैं अपने आप को बिजी रहूँ नेचर में घूमूँ फिरूँ मज़ा आता है क्योंकि नेचर में बंदे को बड़ा सुकून मिलता है मुझे तो बहुत सुकून मिलता है जब मैं नेचर को एक्सप्लोर करता हूँ क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीज़ों के क्वेश्चन मिल जाते हैं आंसर्स मिल जाते हैं जब तू नेचर के करीब होता है ना तो तेरे दिल को सेटिस्फेक्शन मिलती है वाटरफॉल्स लुकआउट ये रास्ता है और एक प्रिंसेस रॉक लुकआउट ये रास्ता है तो आई थिंक मुझे फर्स्ट ये वाटरफॉल्स देखना है इस तरफ से जाता हूँ पहले ही एक्सप्लोर करता है जो मेरे पीछे लोग जा रहे हैं इनसे मैंने पूछा है कि ऊपर जो फॉल है ये कैसा है और नीचे जो फॉल है कैसा है बता रहे थे कि प्रिंसेस रॉक लुकआउट है यहाँ पे आपको पूरा वाटरफॉल करीब से मिलेगा करीब से नजर आएगा तो इट्स बेटर है कि आप पहले इस तरफ को जाएं और ऑलमोस्ट 10 मिनट वॉक है तो पहले ये एक्सप्लोर करें उसके बाद फिर ऊपर जाएं क्योंकि वहाँ ऊपर से आपको बहुत छोटा नजर आएगा तो मैंने भी इनकी बात मान ली है अब मैं नीचे जा रहा हूँ अल्लाह करे कि मज़ा आए अदरवाइज अगर मज़ा नहीं आया ना तो बस पैसे तो वापस नहीं कर सकता बट एनीवेज चलें नीचे जाते हैं पहले नेक्स्ट टाइम के लिए मैं सोच रहा हूँ मेरे पास तो अब टेंट आ चुका है अब मैं एक स्टोव देखूंगा फिर साथ में बारबेक्यू के लिए चीज़ें देखूंगा और जब भी घूमने जाऊंगा तो अपने साथ पूरी चीज़ें उठाऊंगा और प्रॉपर चीज़ें उठा के वहाँ पे बनाऊंगा बैठूंगा आराम सुकून से चिल करूंगा उसके बाद आराम से निकलूंगा अभी तो मैं जस्ट एक्सप्लोर करना चाहता हूँ बट नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह करूंगा प्रॉपर चीज़ें उठा के आऊंगा और प्रॉपर एक्सप्लोर करके बैठूंगा आराम सुकून से फिर आराम से जाऊंगा तो यस आवाज़ तो मुझे आ रही है वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे मैं अपना कि मैं नहाऊँ इसमें मैंने टॉवल रखा है साथ में मेरे शॉर्ट्स हैं तो इट्स बेटर कि नहा लें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये मेरा व्यू है सामने का ये सारे पहाड़ हैं यहाँ के ये सिडनी के सारे पहाड़ हैं ये सिडनी मतलब जो ऊपर जाते हो ना बोंडा बीच से ऊपर तो ये इलाका आता है ये इसे कहते हैं ब्लू माउंटेंस ये इट्स लाइक अ रेंज ऑफ माउंटेंस तो ये आता है सारा ये चेक करें ये सारे माउंटेंस आपको नज़र आएंगे यहाँ से ये सारे माउंटेन के सिलसिले हैं बहुत खूबसूरत है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है बट एक पॉइंट है कि यहाँ की ग्रीनरी इतनी ग्रीनरी नहीं है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और इंडिया यहाँ की ग्रीनरी डिफरेंट है यहाँ की ग्रीनरी ग्रीन नहीं दिखती डिफरेंट दिखती है थोड़ी सी मतलब ब्राउनिश दिखती है सॉरी गाइज सॉरी टू डिस्टर्ब मुझे अभी जस्ट रियलाइज़ हुआ कि ये व्लॉग बड़ा लंबा हो जाएगा ऑलमोस्ट 8 मिनट हो चुके हैं और अगर मैं पूरा एक व्लॉग डालूंगा तो ऑलमोस्ट पता नहीं 20 मिनट्स पता नहीं कितने मिनट्स हो जाएंगे तो इट्स बेटर कि मैं अब ये फर्स्ट हाफ पार्ट पोस्ट करूं उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट डे पोस्ट करूं तो ऐसा क्या ख्याल है आप लोगों का आप लोग भी बोर नहीं होंगे और मेरे लिए भी आसान होगा तो इट्स अ विन विन सिचुएशन तो मैं अगला पार्ट नेक्स्ट डे पोस्ट करूँगा एंड आप लोग ये इन्जॉय करें एंड प्लीज़ सपोर्ट किया करें यार एटलीस्ट सब्सक्राइब तो किया करें शेयर किया करें यार इतनी मेहनत करता हूँ मैं इतना सब कुछ करके इतनी मेहनत करता हूँ प्लीज़ हाँ तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम टाटा बाय बाय एडियोस अमिगोस बाय Where do I start?